नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि मसूर की उन्नत खेती कैसे करें, इसके लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है, इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, आप अपनी फसल की देखभाल कैसे करें और इस वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करने पर किसान भाइयों को मसूर की फसल से कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है, उन सब के बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपनी कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कृषि से जुड़ी व अन्य नई नई तकनीकियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी किसान भाइयों को अच्छी लगे तो यह हमारी जानकारी किसानों अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाने के लिए आप हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं मसूर की उन्नत खेती किस प्रकार करें। किसान भाइयों, रबी की दलहनी फसलों में मसूर की खेती का प्रमुख स्थान है। मसूर की खेती भारत की एक बहुप्रचलित एवं लोकप्रिय दलहनी फसल है, जिसकी खेती प्राय भारत के लगभग हर राज्य में की जाती है। विश्व में इसकी खेती सर्वाधिक भारत में ही की जाती है। मसूर की खेती ऐसी क्षेत्रों में धान की फसल के बाद उगाई जाती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मसूर की खेती बहुत सहायक सिद्ध हुई है। उन्नत उत्पादन तकनीकों का प्रयोग करके मसूर की उपज में बढ़ोतरी की जा सकती है। वो कौन सी उन्नत तकनीकें हैं, उसकी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और यदि आप मसूर की जैविक खेती करना चाहते हैं, उसकी पूरी जानकारी चाहते हैं किस प्रकार करें, कौन सी विधि है, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे आके यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो भी सुन सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, मसूर की खेती की प्रक्रिया की। सबसे पहले, किस प्रकार की जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है। मसूर की खेती की वनस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु तथा पकने के समय गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः मसूर फसल के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की जलवायु में मसूर की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। जलवायु के बाद बात आती है किसान भाइयों भूमि चयन की। भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए इसकी फसल के लिए। फलीदार फसल होने के कारण मसूर की खेती सभी प्रकार की बलुई दोमट से लेकर काली दोमट मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसकी अच्छी उपज के लिए रेतीली दोमट एवं दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 8.2 के बीच में होना उपयुक्त पाया गया है। भूमि चयन के बाद बात आती है किसान भाइयों, खेत की तैयारी किस प्रकार करें आप। हमारे देश के विभिन्न भागों में मसूर फसल के लिए खेत की तैयारी अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे कुछ स्थानों में धान की खड़ी फसल में ही इसके बीज डाल दिए जाते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके पश्चात 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करने के पश्चात पट्टा लगाकर खेत को समतल करके तैयार कर लेना चाहिए। खेत का भुरभुरा होना अति आवश्यक है। आखिरी जुताई के समय 15 से 20 टन गली सड़ी गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट मिट्टी में मिला दें तो उससे उपज अच्छी पाई गई है। उसके बाद बात आती है किसान भाइयों उन्नत किस्मों की। तो उन्नत किस्मों में सबसे पहले है उकटा प्रतिरोधी किस्में। लेकिन मैं यहाँ किसान भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा, आप जब भी मसूर की खेती करें, आप के क्षेत्र की प्रचलित किस्म जो कि अधिक पैदावार देने वाली हो और रोग यानी विकार प्रतिरोधी हो, आप उसका ही चुनाव कीजिए ताकि आपको अच्छी आपकी फसल से उपज मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के खेत में उकटा रोग है उसके लिए प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें। सबसे पहले उकटा प्रतिरोधी किस्में PL02, VL मसूर 129, VL 133, VL 154, VL 125, पंत मसूर जिसको PL63 के नाम से भी जानते हैं, KLV 303, पुषा वैभव L4147 के नाम से भी जानते हैं, RVL 31 और RPL 316, ये किस्में उकता प्रतिरोधी किस्में हैं मसूर की। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में यह रोग है तो आप इनमें से किसी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है छोटे दाने वाले किस्मों की। तो उसमें सबसे पहले किसान भाइयों पंत मसूर 4, पूसा वैभव
पंतमसूत्र 406, आरपीएल 406, पंतमसूत्र 639, बीपीएल 32, पीएल 5, पीए 6 और WBL 73 आदि ये प्रमुख किस्में हैं जो कि छोटे दाने वाली किस्में हैं मसूर की। उसके बाद है किसान भाइयों, बड़े दाने वाली किस्मों की बात जहाँ तक है उनमें है DPL 62, सुबर्ता, JL 3, नूरी जिसको IPL 81 के नाम से जानते हैं, PL 5, LH 84-6, DPL 15 जिसको प्रिया के नाम से जानते हैं, लेंस 40-76, JL 1, IPL 316 और IPL 406 और PL 7 ये प्रमुख बड़े दाने वाली मसूर की किस्में हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, यदि आप इन किस्मों की पूर्ण जानकारी चाहते हैं विशेषताओं के साथ कौन सी किस्म किस रोग की प्रतिरोधी है और आपको इन फसलों से इन किस्मों से कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है इनकी फसल उगाने पर, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे आके यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या तो हमारा वीडियो भी आप सुन सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों बुआई का समय। सामान्यतः मसूर 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई की जाती है। इसका बोने का समय क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुसार भिन्न हो सकता है। जैसे उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में बुआई का सर्वोत्तम समय अक्टूबर के अंत में, जबकि उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा उपयुक्त होता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर्याप्त नमी बुआई के समय होती है और इस तरह मध्य क्षेत्र जहाँ नमी मुख्य रुकावट है अगेती बुआई मध्य अक्टूबर में इसकी उपयुक्त रहती है। अब बात आते हैं किसान भाइयों बीज की मात्रा, इसके लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। बीज की मात्रा का जहाँ तक सवाल है, छोटे दाने वाली किस्मों के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा उचित मानी गई है। बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए 55 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा उचित मानी जाती है और पानी भराव वाले क्षेत्रों में 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा इसके बीज की उचित मानी जाती है। अब बात आती है बीज शोधन करना भी बहुत आवश्यक है किसान भाइयों, इसका अपना मुख्य स्थान रखता है इस खेती में। मसूर की खेती को बीज जनित फफूंदी रोगों से बचाव के लिए थीरम एवं कार्बोडाजम 2:1-3 ग्राम या फिर थीरम 3 ग्राम या फिर कार्बोडाजम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। तत्पश्चात कीटों के बचाव के लिए बीज को क्लोरोफायरीफॉस 20 EC 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोएं। उसके बाद यदि किसान भाई जैव उपचार करना चाहते हैं जो कि दलहनी फसलों के लिए विशेष है, मसूर के नए क्षेत्रों में बुआई करने पर बीज को राइजोबियम के प्रभावशाली स्ट्रेन से उपचारित करने पर 10-15% तक की उपज में वृद्धि देखी गई है। 10 किलोग्राम मसूर के बीज के लिए राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट पर्याप्त होता है। इसमें 100 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में घोलकर उबाल लें। घोल के ठंडा होने पर उसमें राइजोबियम कल्चर मिला दें। यहाँ पर किसान भाई ध्यान रखें, गर्म पानी में आप राइजोबियम मत मिलाना, क्योंकि उसमें जीवाणु होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए ठंडा होने के बाद ही मिलाएं। इस कल्चर में 10 किलोग्राम बीज डालकर अच्छे प्रकार मिला लें ताकि प्रत्येक बीज का कल्चर पर लेप चिपक जाए। गुड़ का प्रयोग यहाँ पर इसीलिए कर रहे हैं किसान भाइयों ताकि इसका लेप हर दाने पर चिपक जाए। उपचारित बीज को कभी भी धूप में न सुखाएं। बीज उपचार दोपहर के बाद करें। राइजोबियम कल्चर न मिलने की स्थिति में उस खेत से जहां पिछले वर्ष मसूर की खेती की गई थी 100 से 200 किलोग्राम मिट्टी पुरज कर बुआई के पूर्व खेत में मिला देने से राइजोबियम बैक्टीरिया खेत में प्रवेश कर जाता है तथा अधिक वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थितिकरण होने से उपज में वृद्धि पाई गई है। अब बात आती है किसान भाइयों आप इसकी बुआई किस प्रकार करें। बुआई देसी हल या सीड ड्रिल से पंक्तियों में करें, आप छिड़काव से न करें जहां तक संभव हो। सामान्य दशा में पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 25 सेंटीमीटर तथा पंक्तियों में पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर व देर से बुआई की स्थिति में पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 20 सेंटीमीटर ही रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखें। बीज 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। उतेरा विधि से बुआई करने हेतु कटाई से पूर्व ही धान की खड़ी फसल में अंतिम सिंचाई के बाद बीज छिटक कर बुआई कर देते हैं। इस विधि में खेत तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी उतेरा विधि में, किंतु अच्छी उपज लेने के लिए सामान्य बुआई की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक बीज दर का प्रयोग करना चाहिए।
पानी भराव वाले क्षेत्रों में वर्षा का पानी हटाने के बाद सीधे हल से बीज नाली बनाकर बुआई की जा सकती है। गिल्ली मिट्टी वाले क्षेत्रों में जहां हल चलाना संभव न हो, बीज छिटक कर बुआई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी उपज के लिए मसूर की बुआई सीड ड्रिल या हल के पीछे पंक्तियों में करना ही उचित पाया गया है। अब बात आती है किसान भाइयों, पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार करें, यानी खाद और उर्वरक का प्रयोग। मृदा परीक्षण के आधार पर समस्त उर्वरक अंतिम जुताई के समय हल के पीछे कुडू में बीज की सतह से 2 सेंटीमीटर गहराई पर व 5 सेंटीमीटर साइड में देना सर्वोत्तम रहता है। सामान्य मसूर की फसल को प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 20 किलोग्राम गंधक की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की संयुक्त रूप से पूर्ति हेतु 100 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने पर उत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब कुछ गौण तत्व होते हैं किसान भाइयों, जिनको सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, उनकी भी दलहनी फसलों में आवश्यकता होती है अच्छे उत्पादन के लिए। सबसे पहले गंधक यानी सल्फर, 20 किलोग्राम गंधक, इसकी पूर्ति आप 154 किलोग्राम जिप्सम, फास्फो जिप्सम या फिर 22 किलोग्राम वेंटोनाइट सल्फर से कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रत्येक फसल के लिए देना पर्याप्त होता है। यह कमी ज्ञात होने पर लाल बलुई मृदा के लिए 40 किलोग्राम गंधक, जिसको आप 300 किलोग्राम जिप्सम, फास्फो जिप्सम या फिर 44 किलोग्राम वेंटोनाइट सल्फर से पूर्ति कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है बोरान की, 1.6 किलोग्राम बोरान यानी 16 किलोग्राम बोरेक्स या फिर 11 किलोग्राम डाइसोडियम ट्रेटोबोरेट पेंटाहाइड्रेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रत्येक फसल में देना अच्छा रहता है उपज के लिए। अब बात आती है किसान भाइयों, सिंचाई प्रबंधन आप किस प्रकार करें अपनी मसूर की फसल का। पानी भराव वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में वर्षा न होने पर मसूर की खेती से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 40 से 45 दिन बाद वह फली में दाना भरते समय सिंचाई करना लाभप्रद रहता है, या फसल की आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं। इतना अनुभव तो आपको है ही, क्योंकि काफी पुरानी फसल है ये। अब बात आती है किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद यानी 48 घंटे के अंदर खरपतवार नाशी रसायन पेंडीमेथिलीन 30 EC का 0.75 से 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व यानी 2.5 से 3 लीटर व्यापारिक मात्रा, जिसको तरल बोलते हैं, प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद एक निराई करना पर्याप्त होता है। यदि दूसरी निराई की आवश्यकता हो तब बुआई के 40 से 45 दिन की फसल की अवस्था पर करनी चाहिए। फसल बुआई से 45 से 60 दिन तक खरपतवार मुक्त रहनी चाहिए अच्छे उत्पादन के लिए। अब बात आती है किसान भाइयों आप अपनी फसल की देखभाल कैसे करें, यानी कीट व रोग रोकथाम किस प्रकार करें। सबसे पहले है फली छेदक कीट। मसूर की खेती में इस कीट का प्रकोप होने पर प्रोपोनोफास 50 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या फिर इमामेक्टिन वेंजोएट 5 SG 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। माहू यानी एफिड से फसल की सुरक्षा के लिए इस कीट से बचाव के लिए प्रकोप आरंभ होते ही डाइमोथोएट 30 EC 1.7 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या फिर इमिडा क्लोरोपीड 17.8 SL की 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। अब बात आती है किसान भाइयों रतुआ, जिसको रस्ट बोलते हैं, समय से बुआई करें। रोग रोधी सहनशील किस्में जैसे पंत मसूर 4, पंत मसूर 639, पंत मसूर 6, पंत मसूर 7, KLS 218, IPL 406, WBL 73, LL 931 और IPL 316 आदि से किस्मों से आप चुनाव करें जो कि इस रोग की प्रतिरोधी हैं। बचाव के लिए फसल में मैनकोजेब 75% WP कवकनाशी का 0.2% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर बुआई के 50 दिन बाद छिड़काव करें तथा दूसरा छिड़काव 10 से 12 दिन के बाद जरूर दोहरा दें यदि रोग पर नियंत्रण संभव नहीं हुआ है तो। अब बात आती है किसान भाइयों उकटा, जिसको विल्ट रोग बोलते हैं।
बुआई के पूर्व बीज को थायरम या कार्बोंडेजम 2:1 में 3 ग्राम दवाई की मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके ही बोएं। उकटा रोगरोधी एम सहनशील किस्में जैसे पंत मसूर 5, आईपीएल 316, आरबीएल 31, शेखर मसूर 2, शेखर मसूर 3 इत्यादि किस्मों से आप चुनाव कर सकते हैं, या तो फिर आपके क्षेत्र की कोई अन्य अच्छी पैदावार वाली उन्नत किस्म है तो आप उसको भी उगा सकते हैं। और यदि किसान भाई कीटों एवं रोग की रोकथाम की अधिक जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पे आके यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, या तो फिर हमारा वीडियो भी आप सुन सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों कटाई और मंडाई की। मसूर की खेती की जब 70 से 80% फलियां पक जाएं, कटाई आरंभ कर देना चाहिए। तत्पश्चात बंडल बनाकर फसल को खलिहान में ले आते हैं और 3 से 4 दिन सुखाने के पश्चात थ्रेसर द्वारा भूसा को दाने से अलग कर लेते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों इस उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करने पर आपको कितनी मसूर की फसल से पैदावार प्राप्त हो सकती है। उपरोक्त उन्नत शस्य विधि एवं नवीनतम किस्मों की सहायता से मसूर की खेती करने पर प्रति हेक्टेयर 15 से 25 क्विंटल तक की उपज प्राप्त की जा सकती है। आप अपने फसल का भंडारण कैसे करें? जो उत्पादन आपने किया है, भंडारण के समय दानों में नमी 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भंडार गृह में 2 गोलियां एल्यूमिनियम फास्फाइड प्रति टन रखने से भंडारण को कीटों से सुरक्षा मिलती है। भंडारण के दौरान मसूर को अधिक नमी से बचाना चाहिए। किसान भाइयों यहाँ पर अधिक उत्पादन लेने के कुछ बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई 3 वर्ष में एक बार आप अपने खेत की अवश्य करें, उससे अनेक रोग और कीटों से फसल को सुरक्षा मिलती है, यानी वो खत्म हो जाते हैं सूर्य के प्रकाश में। पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही दें, आप न तो ज्यादा दें और न ही कम दें। ज्यादा देने से आपको अधिक उत्पादन नहीं मिलेगा, इसलिए संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। मसूर की खेती हेतु बुआई पूर्व बीजोपचार आप अवश्य कर लें। अपने जो फसल उगानी है उस बीज का आप उपचार अवश्य करें। रेस्ट कीट व उकटा रोग रोधी व सहनशील किस्में उगाएं। पौध संरक्षण के लिए एकीकृत पौध संरक्षण के उपाय को अपनाना चाहिए, यानी कीट रोकथाम के जो उपाय हैं, जो कि यह एक नई विधि है जिसको आईपीएम बोलते हैं, आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको कम लागत में आप इन पर नियंत्रण अच्छे से पा सकते हैं, जिनकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दी है तो आप वो सुन सकते हैं। और आप अपने फसल का खरपतवार नियंत्रण अवश्य ही रखें, उससे अनेक रोगों और कीटों से आपकी फसल को सुरक्षा मिलती है और आपका उत्पादन भी अवश्य ही बढ़ेगा। तो किसान भाइयों ये तो थी मसूर की खेती की जानकारी। और किसान भाइयों ये जो विधियां हैं ये कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई हैं, तो आप इन पर विशेष ध्यान रखें और आप अपने फसल में यदि इनका उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन बढ़ेगा और आपकी लागत भी कम आएगी। तो ये मसूर की खेती की जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, ये आप सभी से प्रार्थना है। और यदि आपको वीडियो में कोई समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट पे आके इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का